नमस्कार दोस्तों, आज मैंने आपके लिए अपनी सोलिड की 8 फुट की डिस्प्ले 80 सेटेलाइट के साथ में कास्ट सेटअप और सेटेलाइट का मल्टी एलएम भी सेटअप किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर इन दोनों सेटेलाइटों के एलएम के बीच में कितना फासला रहेगा और इन दोनों सेटेलाइटों को सेट करने के लिए कौन सी MPG2 की स्ट्रॉन्ग TP है और किस तरह आप अपनी डिस्प्ले इन दोनों सेटेलाइटों का मल्टी एलएम भी सेटअप कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ये आपको डिस्क की फाइनल पोजीशन देख लीजिए, कुछ इस तरह से रहेगी। तो अब आपको मैं डिस्क का साइड व्यू बता देता हूँ। दोस्तों, डिस्क का साइड व्यू कुछ इस तरह से रहेगा, ये देख लीजिए आप। डिस्क का मुंह है एकदम ऊपर की साइड हो जाएगा दोस्तों। तो अब आपको मैं इन दोनों सेटेलाइटों के एलएम की पोजीशन क्या रहेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये जो सेंटर में एलएम भी लगी हुई है ये दोस्तों 80 पर लगी हुई है और ये जो साइड एलएम भी लगी हुई है ये दोस्तों 98 पर लगी हुई है। ये देख लीजिए आप, 80 पे दोस्तों मैंने LMB की पोजीशन कुछ इस तरह से रखी है और 98 पे दोस्तों LMB की पोजीशन कुछ इस तरह से रखी है, देख लीजिए आप। तो अब आपको मैं इन दोनों LMB के बीच में कितना फासला रहेगा वो आपको मैं इंची टेप से नाप के बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये देख लीजिए आप, मैं आपको इंची टेप से नाप के बताता हूँ कि इन दोनों LMB के बीच में कितना फासला रहेगा। ये देख लीजिए दोस्तों, इन दोनों LMB के बीच में 16 इंच का फासला रहेगा, ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों, अब आपको मैं इन दोनों सेटेलाइट को सेट करने के लिए कौन सी MPG2 की स्ट्रॉन्ग TP वो आपको मैं बता देता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको लाइव बताता हूं। दोस्तों, ये जो सेंटर में LMB लगी हुई है ये दोस्तों 80 पे लगी हुई है, इसका वायर है ये यहां से होता हुआ, ये देख लीजिए आप, डिस्क स्विच के अंदर लगा हुआ है। और ये जो साइड LMB जो काज से टटोनी सेटेलाइट पर लगी हुई है उसका वायर है ये यहां से होता हुआ, ये देख लीजिए आप, डिस्क स्विच के अंदर लगा हुआ है। और ये जो तीसरा वायर दोस्तों ये रिसीवर के लिए आउटपुट है, ये देख लीजिए आप, ये यहां से होता हुआ, ये देख लीजिए आप, मेरे MPG2 रिसीवर के अंदर लगा हुआ है, ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 58 सेटेलाइट पे कौन सी स्ट्रॉन्ग TP रहेगी वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको MPG2 रिसीवर के अंदर इस सेटेलाइट को सेट करना है तो आपको LMB फ्रिक्वेंसी 0.5750 रखना है, फ्रिक्वेंसी आपको 10804 रखना है, सैम्पल रेट आपको 30,000 रखना है और पोजिशन ओरिजिनल रहेगा। दोस्तों, इस TP को लगाकर आप 58 सेटेलाइट को आराम से ट्रैक कर सकते हो। ये देख लीजिए आप, सिग्नल मिल रहा है मेरे को। दोस्तों, ये MPG4 की TP है तो MPG2 रिसीवर के अंदर इतना ही सिग्नल बताएगी दोस्तों। तो अब आपको मैं 80 की स्ट्रॉन्ग TP बता देता हूं दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 80 की सबसे स्ट्रॉन्ग TP है दोस्तों। LMB फ्रिक्वेंसी आपको 0.5750 रखना है, फ्रिक्वेंसी आपको 10981 रखना है और पोल्यूशन 44,940 रहेगा, आप 45,000 भी रख सकते हैं और पोलरिटी ओरिजिनल रखना है आपको दोस्तों। इस TP को लगा के आप इस सेटेलाइट को आराम से ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, अब चलते हैं TV की ओर, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इन दोनों सेटेलाइट पर कितनी TP मिली और कौन कौन से चैनल मिले हैं वो आपको मैं सारा डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस सेटेलाइट पर मेरे को कौन कौन सी TP मिली है, कौन कौन से चैनल मिले हैं वो आपको मैं सारा डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों, ये देख लीजिए आप, आज से टाउन सेटेलाइट पर मेरे को टोटल 60 TP मिली है, वो 7 TP पे बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है। ये देख लीजिए आप, 10720 वाली TP पे 72% है, 10762 वाली पे 80% सिग्नल है और 10804 वाली TP पे 76% सिग्नल मिल रहे हैं और 10846 वाली TP पे 80% सिग्नल मिल रहे हैं और 10887 वाली TP पे ये देख लीजिए आप, 72% सिग्नल मिल रहे हैं और 10929 वाली TP पे 72% सिग्नल मिल रहे हैं और एक ये। तो अब आपको मैं 58 फ्लाइट पर मेरे को कितने चैनल मिले हैं वो आपको मैं सारा डिटेल से बताता हूँ। 136 चैनल मिले हैं और 58 सेटेलाइट पे मेरे को टोटल 136 चैनल मिले थे वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो अब आपको मैं 80 सेटेलाइट पे मेरे को कौन कौन सी TP मिली है, कौन कौन से चैनल मिले हैं वो आपको मैं सारा डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, 80 सेटेलाइट पे मेरे को टोटल 10 TP मिली है, ये देख लीजिए आप, सारी TP पे बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहे हैं, ये देख लीजिए आप, 52% सिग्नल मिल रहे हैं, इधर 105 वाली TP पे भी 52% सिग्नल है, ये देख लीजिए आप, सारी TP पे दोस्तों बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है, ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों, अब आपको मैं 80 सेटेलाइट पे मेरे को कौन कौन सी चैनल मिला है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये देख लीजिए आप, 80 सेटेलाइट पे मेरे को टोटल 250 चैनल मिले हैं, बहुत ही अच्छी सेटेलाइट है दोस्तों 80 और 58, इन दोनों का मल्टी एलएम सेटअप बहुत अच्छा हो गया दोस्तों। दोस्तों, दोनों सेटेलाइट के सारे चैनल मेरे को मिल रहे हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके।